हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ बच्चों सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि देखो, सेमेस्टर परीक्षा होने वाला था 18 तारीख से, 17 तारीख से इन सभी का परीक्षाएं शुरू होने वाला था। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे भी नाराज़ हैं इस बात से कि उनके सिलेबस नहीं कम्प्लीट हैं, इसलिए परीक्षाओं को कुछ दिन टाल दीजिए, ठीक है। और टीचर भी यही कह रहे हैं कि भाई नैक आया हुआ है तो कम से कम नैक में अच्छे ग्रेडिंग ले लें, उसके बाद से परीक्षा वरीक्षा कराने की बात की जाए, ठीक है। तो इसी पर लखनऊ विश्वविद्यालय में कल एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, इसको लेके परीक्षाओं पे मीटिंग हुई थी। लेकिन मीटिंग तो हुई थी, सारे रिपोर्ट अभी कहीं पब्लिश नहीं किया गया है। पब्लिश ना करने का कारण ये है कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं सर, वो थे नहीं कल, ठीक है, मीटिंग में वो थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। जैसे ही वो बाहर से लौटेंगे, उसके बाद से जो कल मीटिंग हुई थी उनके सामने वो रिपोर्ट रखी जाएगी। रिपोर्ट रखने के बाद, और ये पूरी उम्मीद है बच्चों, लगभग 80% आशा है कि आपके एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम टलने की उम्मीद है, ठीक है। भैया ये कब तक होगा? तो देखो, सेमेस्टर एग्जाम यहाँ टलेगा तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू हो जाएगा बच्चों। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम टालने के लिए पूरे कोशिश जारी है। सभी बच्चे ट्विटर पे भी लिख रहे हैं कि मेरे कोर्स नहीं कंप्लीट है, तो मेरा यहाँ वाइवा नहीं हुआ है, तो मेरे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके को लेके कल एक बैठक हुई LU में 12 बजे, वो बैठक हुई थी। रिपोर्ट तो मेरे पास आ गया था कि मतलब मीटिंग चल रही, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल इंटीमेशन मेरे पास नहीं आया था, इसलिए कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बच्चों थोड़ा टाइम डिले होगा एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि MCQ ही कराना है, 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो ये परेशानियाँ रहेंगी। लेकिन बच्चों एक परेशानी अब आप सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि जो छात्र 6th सेमेस्टर में हैं, अब उनको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होगा बच्चों। अब वो बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि जहाँ भी एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे एक प्रोफॉर्मा मिलता है, 30 दिन का टाइम मिलता है कि आप 30 दिन के अंदर ओरिजिनल मार्कशीट दे दोगे, तो एंट्रेंस वाले बच्चे थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये LU बहुत जल्दी एग्ज़ाम कराता है, 5 से 10 दिन में पूरा एग्ज़ाम कराएगा और 25 तारीख तक रिजल्ट दे देगा। तो है LU में पावर है, ये तो पता है कि लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़े नहीं करेगा, तो उनके रिजल्ट आ सकते हैं। तो बच्चों अब पूरी उम्मीद है, लगभग 90% उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। पोस्टपोन होने के बाद फिर से क्या होगा कि ये जो एग्ज़ाम होगा अगस्त के पहले सप्ताह में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम आपको मिलने की उम्मीद है, अभी इस पर अंतिम मोहर कल तक लग जाएगी। जैसे ही मतलब 2 दिन बाद बोले हैं बाहर आएंगे, तो बाहर से आएंगे तो फिर उस पर फैसला ले दिए जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले ही हैं 2 दिन बाद, तो फिर मैं आपको यही अपडेट लेके आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।